अगर आप होंडा की बाइक लेने जा रहे हैं तो मेरी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा जो कि होंडा ने अपनी पहली बार अपनी बाइक में लॉन्च की है। अपनी बाइक में नई टेक्नोलॉजी दी है जिसको कॉम्बी ब्रेक बोलते हैं। पहले ये टेक्नोलॉजी होंडा एक्टिवा स्कूटर में थी, लेकिन इन्होंने अब ये टेक्नोलॉजी अपनी बाइक में दे दी है जिससे आपको फ़ायदा हो सके, आप गाड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से चला सकें। तो आइए जानते हैं कि क्या है ये टेक्नोलॉजी और कैसे काम करती है। तो आप देख सकते हैं ये है होंडा साइन SP, इसका पूरा नाम है होंडा CV साइन 125 SP, और ये है कॉम्बी ब्रेक जो आपके साइलेंसर की तरफ राइट हैंड पे लिखा रहेगा कॉम्बी ब्रेक। तो आप देख सकते हैं ये है कॉम्बी ब्रेक जो लिखा हुआ है। और अब आप देखेंगे इसमें दो पाइप लगे होते हैं। अगली डिस्क ब्रेक में आप देखेंगे दो पाइप ब्रेक ऑयल जाने के लिए होता है, इसी से ब्रेक ऑयल जाता है। और जिसमें कॉम्बी ब्रेक होता है उसमें डबल पाइप होती है, एक पीछे को जाती है और एक आगे को जाती है, ये सिस्टम होता है। और आप जान लें कि ये काम कैसे करती है। इसमें सिस्टम ये है कि जैसे ही आप पिछली ब्रेक दबाएँगे, चाहे आप अगली ब्रेक दबाएँ या ना दबाएँ, पिछली ब्रेक जैसे ही दबाएँगे तो 60% पिछली ब्रेक और 40% अगली ब्रेक मिला के 100% आपकी ब्रेक लग जाएगी। इससे आपका खतरा टल जाएगा। जैसे कि पहले ये होता था कि लोग ब्रेक दबा देते थे अगली और गाड़ी से गिर जाते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आप चाहे अगली ब्रेक ना भी दबाएं तो भी अगली ब्रेक लगेगी अपने आप पिछली ब्रेक दबाने पर। यही होता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। तो आप समझ चुके होंगे, अब आप देख भी लें कैसे काम करता है। आप ये देखिए पिछली ब्रेक दबाने पर अगला पहिया कैसे रुक रहा है। वो देखिए अगला पहिया घुमाया गया और ये पिछली ब्रेक दबाएंगे, ये देखिए इन्होंने दबा दिया और वो अगला रुक गया। यही है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉम्बी ब्रेक के बारे में पता चल चुका होगा। और इस होंडा साइन SP में और कुछ नया नहीं है, यही है नया सिस्टम। इसका लुक थोड़ा अलग है और इसमें ब्रेकिंग सिस्टम नया है जिससे गाड़ी कंट्रोलिंग बहुत ही अच्छी रहती है। कृपया मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें जिससे मैं आगे वीडियो बनाता रहूं, और मेरी अगली वीडियो बहुत ही अच्छी होगी। कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।